सच्चे उलमा और मुतालिमीन। ये मुतालिमीन क्या चीज़ है? मुतालिमीन का ज़रा सा माना समझना ज़रूरी है, और यही बात अगर हमने समझ लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमा कौन है इनकी परख आसान हो जाएगी, और उलमा जो नहीं है वो मुतालिमीन हैं उनकी परख भी आसान हो जाएगी। और फिर इल्म हासिल करने के लिए किसके दस्तक, किसके दरवाजे पर दस्तक देनी है, किसके सामने जानवे तलम्बुज तय करना है, किसके सामने घुटने टेकना है, किसके किसकी मजलिस में हाजिर होना है और किसकी मजलिस में बैठ करके इल्म हासिल करना है, ये सलीका हमें मालूम पड़ जाएगा। तालुम मुतालिम ये इस्म फाइल का सेगा है और ये तालुम से बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि इल्म ऐन लाम मीम है, उसी से ये तालुम भी बना हुआ है। वो अलीमा यालमु सुलासी मुजर्रद है, जो क्या नाम है इसम जो फेल है माजी का और इसी इसम फाइल है मेरे भाइयों। और इसमें ये जो अलीमा यालमु है इसको अरबी ज़बान के अंदर बाब समिया से कहा जाता है, समिया यस्मऊ। खैर ये जो तालुम है ये तफाउल के बाब से है, उसी इल्म के रूट से बाब तफाउल है। आलिम जो सच्चा जानने वाला है, मुतालिम जो असल में जानने वाला नहीं है लेकिन अपने आप को इल्म वाला जाहिर करता है, अपने आप को इस बात का दावा करता है कि मैं इल्म वाला हूँ, चाहे ज़बान से करता हो या अपने किरदार से करता हो या और उसके असबाब और वसाइल और लवाजिमात के ज़रिए से करता हो, लेकिन बहरहाल वह हकीकत में आलिम नहीं बल्कि अपने आप को उलमा जाहिर करता है। आइए समझते हैं तालुम। और ये जो बात मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, ये सारी बातें जो हैं ये लुगवी बातें कुतुबे लुगह से बयान की जा रही हैं, लुगत की जो किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें जिनका ये मौका नहीं है नाम जिक्र करना, बहरहाल जितनी भी लुगत की बड़ी किताबें हैं सब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तालुम जो है, तालुम से इस्म फाइल है मुतालिम, यानी तालुम के माने होते हैं इल्म का दावा करना, और मुतालिम के माने होते हैं इल्म का दावा करने वाला। तालुम के माने होते हैं इल्म जाहिर करना, आलिम जाहिर इल्म जाहिर करना, और मुतालिम के माने होते हैं अपने आप को आलिम जाहिर करना। तो यहाँ दो बातें हमारे सामने आ गई हैं। तालुम के अंदर दो माना पाया जाता है, एक माना पाया जाता है कि आलिम नहीं है लेकिन अपने आप को आलिम जाहिर करता है, दूसरा माना पाया जाता है आलिम नहीं है लेकिन इल्म वाला होने का दावा करता है। तो दो चीज़ें इसके अंदर हैं, दो चीज़ें हैं, एक है इल्म का इजहार और एक है इल्म का दावा, यानी हकीकत में वो इल्म वाला नहीं है लेकिन अपने आप को इल्म वाला जाहिर करता है, आलिम जाहिर करता है, आलिम बना करके पेश करता है, आलिम नहीं है लेकिन आलिम होने का दावा करता है। हमने अर्ज़ किया ज़बान से करता हो या ना करता हो लेकिन अपने किरदार से, अपने फतवों से, अपने स्टेज से, अपने माइक से, अपने मीडिया से, बहरहाल अपने आप को वो उलमा की फहरिस्त में दाखिल करने की कोशिश करता है। दो चीज़ याद रखें, यही दो चीज़ें हैं सच्चे उलमा और उसके बिलमुकाबिल इल्म का दावा करने वाले या इल्म का अपने आप को आलिम जाहिर करने वाले, इल्म का इजहार करने वाले।